कल एक्चुअली पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी एंड नाउ मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से, जो कि मैंने इंस्टा पे बताया है स्टोरी में, मेरा पूरा फुटेज डिलीट हो चुका है। एंड मैं क्या बताऊँ, मेरे से ज़्यादा दुखी कोई बंदा नहीं है। एक पूरी वीडियो जो अच्छा सा मैंने क्रिएट किया था, लाइक आई वॉन्टेड टू टेल यू गाइज, थोड़ा सा अरे यार मेरी लाइफ में क्यों होता है ऐसा, बट कोई नहीं। सो बेसिकली मैंने उस फुटेज में, अब मैं इन शॉर्ट बताता हूँ क्या बोला था। एक्चुअली एक और कॉफी पीने का मन हो रहा है, आई थिंक हमें कॉफी पीते पीते बात करनी चाहिए। चलो मैं कॉफी बनाता हूँ, कॉफी के साथ हम बात कर। ऑलराइट, सो सीन ऐसा है यार, सी आई हैव फिनिश्ड माय एमबीबीएस, मैंने अभी सारा कुछ खत्म कर लिया है। पहले जिसको नहीं पता है, मैं अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। माय नेम इज डॉक्टर सिद्धार्थ पांडे एंड आई हैव फिनिश्ड माय एमबीबीएस फ्रॉम चाइना। उसके बाद आई हैव ऑल्सो क्लियर्ड माय लाइसेंसिंग एग्जाम विच इज कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विच इज अ वेरी टफ एग्जामिनेशन इन माई सेकेंड अटेम्प्ट। एंड या फाइनली आई मेड इट। नाउ आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माई स्टेट टू ओपन दैट मेडिकल काउंसिल वेबसाइट, और उसके बाद वी विल बी अप्लाइंग फॉर दैट 2 ईयर्स ऑफ बॉन्ड, जो अगर बेसिकली दैट पैंडेमिक वुड हैव केम। अभी मैं परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए अपने स्टेट में अप्लाई कर रहा था, बट ड्यू टू दैट पैंडेमिक हमारा सीन ऑनलाइन हो गया था। नाउ वी हैव टू डू अ कॉम्पनसेशन ऑफ 2 ईयर्स। तो कितनी टफ लाइफ है, 2 ईयर्स ऑफ कॉम्पनसेशन। एंड या अब वो करना ही है कुछ भी करके। अभी 2 साल तक मेरे पास टाइम है, और मैंने कुछ बहुत बड़ी गलतियां कर दी है ड्यूरिंग माई एमबीबीएस पीरियड, की यार लोग क्या सोचेंगे, तूने अभी बाहर से एमबीबीएस किया है, तू अभी पढ़ाई कर रहा है, तेरा लाइसेंस का पेपर निकला है, स्टिल यू आर लाइक ट्राइंग टू क्रिएट वीडियोस। वो एक डर हो जाता है ना, तो वो एक ऐसा रहता है। सो मैंने कहा कि ओके, आई विल नॉट बी काइंड ऑफ क्रिएटिंग कॉन्टेंट, बट वो मेरा बहुत बड़ा लाइक लाइफ का मिस्टेक था, वो मुझे नहीं करना चाहिए था। आई शुड हैव लाइक स्टार्टेड डूइंग कॉन्टेंट क्रिएशन वे अर्लियर, बट नाउ 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 आई हैव मेड माई माइंड दैट आई विल बी फोकसिंग ऑन दिस थिंग। एक और चीज मुझे समझ में आ रही कि रास्ते में बहुत ज्यादा हर्डल्स आने वाले हैं, जैसे कि अभी ये वाली वीडियो जो आप देख रहे हो, इट्स अ री रिकॉर्डेड वर्जन, बट आई थिंक इट विल बी बेटर देन लास्ट वन। कॉफी बनाता हूँ पहले। मैं नेस्कैफे का वन इंस्टेंट कॉफी आई वाज कंज्यूमिंग, बट आई बॉट दिस वन टुडे। यू जस्ट हैव टू ऐड हॉट वाटर एंड यू आर गुड टू गो। या सो मैं एक चीज कह रहा था यार, कि सी अपनी लाइफ में ना, मैंने लाइक अभी आई हैव मेड माय पेरेंट्स आल्सो प्राउड, एंड अभी मेरे पास 2 साल का टाइम भी है। एक जो गलती मैंने पहले कर दी है, वो मुझे अभी गॉड हैज गिवन मी दिस चांस टू करेक्ट दैट मिस्टेक, एंड नाउ आई वुड बी डूइंग। आई हैव ट्राइड टू गिव माय सेल्फ अ चैलेंज। अभी पहले मैं एक चीज बताता हूँ कि हाँ, अभी जो मेरा काइंड ऑफ जॉब ही कह लो यार, 2 साल के लिए इट्स अ जॉब। नाउ व्हाइल माय पोस्टिंग, व्हाट माय लाइफ विल लुक लाइक इज कि मुझे सुबह उठ के इधर से 1.5 to 2 आवर्स का आई थिंक एक ट्रैवल होगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, वो लेके मुझे मेडिकल कॉलेज तक जाना है। वहां पे आई विल बी फ्रॉम लाइक 8 से 2, 3, 3, 4 बजे तक वो रहेगा। फिर उधर से आई हैव टू कम बैक, सेम 1.5 आवर्स ऑफ लाइक 2 आवर्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अगर मेरी खुद की कार से मैं जाऊंगा तो दैट विल टेक अराउंड लाइक 1 आवर। और उसके बाद आने के बाद आई हैव दिस एडिक्शन ऑफ वर्किंग आउट, मुझे वर्कआउट भी करना है, क्योंकि यार एकेडमिक्स आर अपनी जगह। आई थिंक मेरा ऐसा मानना है कि एज अ डॉक्टर स्पेशली, इफ यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ लाइक योर फिजिकल हेल्थ, देन यू आर नॉट डूइंग जस्टिस टू योर, क्योंकि यार फिजिकल हेल्थ इज दी ओनली लाइक थिंग विच वी हैव एज डॉक्टर्स। यार हमारे पास और कुछ नहीं है। प्लीज गाइज, फिजिकल हेल्थ से मजाक मत करना। पहले मैं सोचता था ना कि मेरी वीडियोस कोई नहीं देखेगा यार, बट मेरी ना एक मेंटालिटी चेंज हो गई। मैं थोड़ा कॉफी बना लेता हूँ, फिर बताता हूँ तुम्हें। एंड फाइनली माई कॉफी इज रेडी, और मेरे किचन में पीछे तुम्हें कुछ नहीं दिखेगा। दैट्स बेसिकली ओट्स, सॉल्ट फॉर माई सोडियम शुगर, एंड दैट्स ब्राउन शुगर, जो कि अब मैं कंज्यूम ही नहीं करता हूँ। इतना स्ट्रिक्ट डाइट है, इस पे भी अभी व्हाइट शुगर मैं एलिमिनेट कर दूंगा तो फिर मौत आ जाएगी भाई मेरे को, विच आई डोंट वॉन्ट टू बी ऑनेस्ट। तो मैं क्या कह रहा था, पहले ये वाला डर था कि लोग मुझे देखेंगे नहीं देखेंगे, वो वाली चीज अब मेरे अंदर से निकल रही है। मैं इस चीज को नहीं कहा, मेरे को एक व्यूज भी नहीं आएंगे, फिर भी एटलीस्ट यार आज से कुछ साल बाद अगर मैं पीछे आके देखूंगा और अपने लाइफ में किसी अच्छे स्टेज पे रहूंगा, तो बोल तो सकता हूँ कि यार सिद्धार्थ यू आर डूइंग दिस थिंग वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहा था भाई। या फिर अगर कहीं फेलियर वाले स्टेज पर रहूंगा तो देख के ये तो बोलूंगा कि ये चीज तूने गलत की, काश ये नहीं करता तू, या फिर इस चीज को सुधार दो। सो दिस इज फॉर माई गुड। यार दिस थिंग ना, एक एक जो कॉफी में मिल्क पाउडर पहले से रहता है ना, वो मजा नहीं आता है यार। बेसिकली ये आइडिया मुझे पता है क्यों आया, ये ना मैं लाइक अभी से 2-3 दिन पहले ना, आई वाज लाइक लुकिंग माय स्टडी सेशंस, कुछ चीजें देख के ना मुझे लाइक बहुत लाइक आई माय आईज गॉट वेट, एंड मेरे को ऐसा लगा यार शिट यार सिद्धार्थ यू वर लिटरली वर्किंग हार्ड। और बहुत ऐसे लोग करते हैं, सारे स्टूडेंट्स जो एग्जाम पास करते हैं। इसलिए मेरे दिमाग में आया कि यार अभी तुझे अपने आप को रिकॉर्ड करना चाहिए, क्योंकि सी एक पैंडेमिक ऐसा हो गया था की वजह से आई वॉज नॉट एबल टू एंजॉय माई कॉलेज लाइफ टू दैट एक्सटेंट जो मैं कर सकता था। एटलीस्ट मैंने
मैंने रिकॉर्ड किया होता तो आई कुड हैव लाइक गॉन बैक टू दोज मेमोरीज एंड सीन देम एंड लिव देम वंस अगेन, बट वो भी मैंने नहीं किया था क्योंकि वो बेसिकली मैं जजमेंटल लोग हो जाएंगे उसके के चक्कर में पड़ गया था, बट नाउ वो चीज मेरे दिमाग से निकल चुका है, आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट दैट ही। आई विल ट्राई टू रिकॉर्ड एज मच एज पॉसिबल। द सीन इज पहले ना जब मैं अंडर ग्रेजुएशन में था ना तो इतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं होता था, फिर मतलब मेरे दिमाग में एक ये लाइसेंस वाले एग्जाम का जनवरी फेब्रवरी या इट्स बीन लाइक 3 months सिंस आई हैव गिवन माय एग्जामिनेशन, बट आफ्टर पासिंग माय रिजल्ट्स गेटिंग माय पासिंग सर्टिफिकेट नाउ जस्ट वेटिंग फॉर माय इंटर्नशिप, अब दिमाग में यार दार अकेडमिक्स भी कुछ है तेरे लिए, लाइक यू हैव दिस इससे भी बड़ी चीज जो तुझे करनी है दैट इज कॉल्ड नीट पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। सो अभी पोस्ट ग्रेजुएशन का सीन ऐसा है कि मेरा इंटरेस्ट ना पहले ऐसा था कि आई जस्ट वॉन्टेड टू परस्यू लाइक न्यूरो सर्जरी, मेरे को बहुत ऐसा हार्ड कोर मतलब सबसे पहला मैंने केस लाइक ऐसे ओटी देखी थी न्यूरो सर्जरी की तो बहुत ऐसे वो हो गया था, फिर जैसे जैसे मैंने अपने आप को समझा फिर मेरे को थोड़ा सा इंटरेस्ट आया ऑर्थोपेडिक्स में कि ऑर्थोपेडिक्स लाइक इज अ वेरी लाइक गुड ब्रांच, मस्कुलर ब्रांच है, मेरे को अच्छी लगेगी। फिर और अपने आप को समझना शुरू किया तो मुझे दो चीज में आई एम जस्ट स्टक, मुझे ऐसा लगता है कि आई जस्ट आई कैन परस्यू लाइक स्किन, मतलब मुझे एमडी स्किन करना चाहिए मुझे ऐसा लग रहा है। आफ्टर परस्यूइंग एमडी स्किन आई जस्ट वांट टू हॉप इनटू लाइक ट्रांसप्लांट एंड कॉस्मेटोलॉजी, सो मेरे को अपनी कमियों को दूर करने के लिए आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आई शुड बी गोइंग फॉर एमडी स्किन, उसके बाद मैं फेलोशिप करके यू नो ट्रांसप्लांट एंड कॉस्मेटोलॉजी, मेरा वो अट्रैक्शन मतलब काफी आगे बढ़ रहा है। आई डोंट नो वो मैं कर पाऊंगा नहीं क्योंकि एमडी स्किन इज अ वेरी वेरी लाइक सॉर्ट ऑफ द ब्रांच के पीछे बहुत ज्यादा फाइट है क्योंकि टॉप पे रेडियोलॉजी स्किन एमडी मेडिसिन यही ब्रांचेस होती है एंड स्किन के पीछे बहुत वो है क्योंकि रेडियोलॉजी एंड स्किन आर दी ओनली ब्रांचेस यू गेट अ वेरी गुड वर्क लाइफ बैलेंस होता है तो मैं बहुत अच्छा रहता है, और स्किन ही इकलौती ऐसी भी ब्रांच बची हुई है आज के टाइम पे जिस जो एक कह सकते हो कि एंडिंग ब्रांच है एंड ब्रांच है, वरना इफ यू स्टडी एनीथिंग अगर तुम एमडी मेडिसिन कर लेते हो देन यू आर जस्ट लाइक उसके बाद तुम्हारे अंदर ना तो वो सुपर स्पेशलिटी वाला कीड़ा आता है कि तुम्हें डीएम डीएम कार्डियो करना है, डीएम न्यूरो करना है, डीएम एंडोक्राइन करना है, अगर तुम सर्जरी कर लेते हो एमएस जनरल सर्जरी कर लेते हो देन अभी उसके पीछे की न्यूरो सर्जरी करना है, यू वॉन्ट टू डू जस्ट सीटीवीएस कार्डियो थोरेसिक सर्जरी प्लास्टिक सर्जरी पीडियाट्रिक सर्जरी पता नहीं क्या क्या बहुत सी चीजें, बट स्किन इज स्टिल अ ब्रांच लाइक ऑर्थोपेडिक्स भी, लेकिन ऑर्थोपेडिक्स में भी अब बहुत से यू नो स्पेशलाइजेशन ऐसे लाइक फेलोशिप्स और ये सारी चीजें आ गई है, बट स्किन में अभी भी ऐसा है कि इट्स एंड ब्रांच, अगर तुम्हें उसके बाद लाइक स्पेशल प्रैक्टिस करना है इफ यू वांट टू लाइक गो इनटू दैट कॉस्मेटिक फील्ड या फिर वांट टू गो इनटू दैट यू नो ट्रांसप्लांट फील्ड देन यू कैन डू लाइक हेयर ट्रांसप्लांट एंड कॉस्मेटिक सर्जरीज, तो वो सारी चीजें, तो मेरा इंटरेस्ट उधर की तरफ जा रहा है और बट उसके लिए आई विल हैव टू स्टडी वेरी हार्ड क्योंकि मुझे वो ब्रांच जो है इफ आई वांट टू गेट एमडी स्किन क्योंकि मुझे शायद स्टेट कोटा भी नहीं मिलेगा, दुख भरी जिंदगी है पूरी मेरी। इफ आई वांट टू गेट एमडी स्किन फ्रॉम अ वेरी गुड प्लेस देन आई विल हैव टू स्कोर लाइक अंडर 2000 रैंक इन नीट पीजी। 2000 रैंक मजाक नहीं होती है, मेरे बोलना आसान है 2000 रैंक जिनकी आती है उनसे पूछो बहुत पढ़ाई लगती है उसके लिए, बट या मेरे पास 2 साल हैं तो व्हाट आई हैव थॉट कि मैं इन 2 सालों में आई विल ट्राई टू डॉक्यूमेंट एज मच एज पॉसिबल जितना भी अपने आप को कर पाऊंगा, आई विल ट्राई टू स्टडी एक प्रॉपर स्केड्यूल पे अपने आप को फिक्स करूंगा जस्ट लाइक हॉस्पिटल लाइक माई जॉब जो भी मेरा रोटेशन होगा 2 years into this medical college, उसके बाद आई विल बी स्टडिंग फॉर माई नीट पीजी, आई विल ऑल्सो ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ फिजिकली, मेंटली हो रहा हूँ धीरे धीरे, मेंटली मेडिटेशन शुरू करना है, बट फिजिकली आई जस्ट वॉन्ट यू गाइज प्लीज, अगर तुम डॉक्टर्स हो अगर मेडिकल स्टूडेंट हो कोई भी स्टूडेंट हो यार अगर तुम अपनी लाइक स्टूडेंट फील्ड अभी स्टूडेंट पीरियड में हो ना प्लीज अपनी हेल्थ का जरूर ध्यान रखो, अगर मेडिकल स्टूडेंट हो तो तुम्हें ऑब्वियसली पता है क्यों, यू जस्ट डोंट वॉन्ट यू नो विसेरल फैट या सबक्यूटेनियस फैट का एक्युमुलेशन ढेर सारा, यू जस्ट वॉन्ट योर कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ टू बी इन अ वेरी गुड शेप, यू लुक बेटर व्हेन यू आर हेल्दी, तो आई विल ऑल्सो ट्राई टू वर्क आउट, आई विल ऑल्सो ट्राई टू रिकॉर्ड दिस जर्नी ऑफ वर्किंग आउट, मैं अपनी वर्कआउट रिजीम अपनी डाइट रिजीम ये सारी चीजें तुम्हें बताऊंगा, तो आई होप कि इससे तुम्हें थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिलेगा, बट या कुछ भी करना पढ़ाई भले ही थोड़ी कम करना वर्कआउट जरूर करना, ट्राई करूंगा कि इन 2 साल मैं आज से ही मैंने अपना टेबल भी सेट कर लिया, आज से मैं एटलीस्ट 2 घंटे यार पढ़ाई करूँ नीट पीजी के लिए, आई डोंट नो 2 सालों में ये कैसा एड ऑन करेगा, बट या 2 घंटे मुझे डेली 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 पढ़ाई करनी है, एंड नेक्स्ट ईयर मैं यूपीएससी सीएमएस का भी फॉर्म भरूंगा, इसको नहीं पता दैट इज लाइक पीएससी इफ यू वांट टू गेट पोस्टेड एज अ डॉक्टर इन लाइक डिफरेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल का प्रोसीजर काफी स्लो था, इट्स आफ्टर 13 months 14 months, तो जब तक मेरी लाइक रोटेशन खत्म होगा तब तक आई थिंक अगर मेरा एग्जाम पास रहा तो मैं पोस्टेड भी हो जाऊंगा कहीं ना कहीं, या ये जर्नी है, बाकी नीट पीजी है 2027 का नीट पीजी आई, तो दिस इज व्हाट आई हैव टू डू, बाकी मैंने वर्कआउट किया था, वर्कआउट की कुछ फुटेज मैं तुम्हारे लिए लगा देता हूँ, विल ट्राई टू यू नो रिकॉर्ड एज मच फुटेज एज पॉसिबल वर्कआउट का भी ताकि वो तुम्हें इंस्पायर करे। अगर मैंने 27 में नीट पीजी क्वालिफाई कर लिया
तो अब ये जो मेरे 2 साल बर्बाद हो रहे हैं वो मेरा कॉम्पनसेट हो जाएगा, क्योंकि बेसिकली यार आई हैव जॉइन माय 17 में एमबीबीएस, आई हैव जॉइन माय एमबीबीएस इन 2017। पैंडेमिक ने मेरे को तो अफेक्ट नहीं किया, बट मेरी डिग्री को ऐसे अफेक्ट किया कि आई एम जस्ट किडिंग, माय 2 ईयर्स वेस्टेड, आई डोंट नो। बट कोई नहीं, डिटर्मिनेशन, मुझे ऐसा लगता है कि अगर नीट निकल जाता है फर्स्ट अटेम्प्ट में तो फिर मेरा ये 2 साल कॉम्पनसेट हो जाएगा, आई विल हैव नो वरीज। गवर्नमेंट के रूल्स है, वी कांट जस्ट यू नो डिफाई। बेसिकली यार 1 साल की इंटर्नशिप ही करानी चाहिए थी अगर सच बोलू तो, और ऊपर से स्टाइपेंड यू विल जस्ट गेट 1 ईयर, सो एक साल फ्री में ही काम करना है। आई एम जस्ट नॉट क्रिटिसाइजिंग, बट ये सच्चाई है कि वो 1 साल में कोप अप हो जाता। सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट एपिसोड, दिस वॉज एपिसोड 1। बेसिकली इट वॉज अ टोटल रैंट, मतलब मैंने सिर्फ बताया है कि मेरी जिंदगी कैसी होने वाली है, क्या होने वाली है, क्या मुझे करना है। एंड दिस इज फॉर माई सेल्फ, दिस इज फॉर यू गाइज। अगर तुम्हें अच्छा लगे या फिर तुम्हें इंस्पायर करे, तुम भी ऐसे शेड्यूल को फॉलो करके, इफ यू वॉन्ट टू ग्रो, यू वॉन्ट टू ट्राई, यू कैन ट्राई। सी मेरे लिए ऐसा था ना कि मुझे नहीं पता कि मैं इस चीज में सक्सेसफुल होऊंगा या नहीं, बट या आई जस्ट डोंट वॉन्ट कि मैं फ्यूचर में यू नो पीछे मुड़ के देखूं और फिर मुझे ऐसा लगे कि मैंने ट्राई नहीं। आई जस्ट वॉन्ट टू ट्राई। आर गोइंग टू बी अ वेरी टफ जॉब टू डू, बट या आई विल डू इट फॉर माई सेक, आई विल हैव टू डू इट। और अगर तुम्हें ये इंस्पायर करता है देन प्लीज गिव इट अ लाइक गाइस, लेट्स लिव दिस जर्नी टुगेदर। इफ यू आर अ मेडिकल स्टूडेंट, इफ यू वांट टू पास करना चाहते हो 2027 में नीट 2027 पीजी ऑब्वियसली, देन स्टे ट्यून्ड गाइस। क्या पता हम साथ में नीट पीजी भी क्वालिफाई करें, और क्या पता हम साथ में एक मेडिकल कॉलेज में पोस्टेड हो, आई डोंट नो, मे बी। बहुत से लोगों को लगेगा ना कि अगर मैं ऐसा बहुत बोलना नहीं चाहिए, बहुत बोलना नहीं चाहिए, लेकिन इफ यू जस्ट वॉन्ट एनीथिंग जस्ट कीप थिंकिंग अबाउट इट यार, यू यू विल गेट इट इवेंचुअली, मुझे ऐसा लगता है। दिस इज वॉट आई हैड टू से। चलो बाकी मिलता हूँ अगले एपिसोड में, टिल देन गाइस स्टे हेल्दी, टेक केयर एंड पीस आउट, बाय बाय।